हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया एसएमएमके में। सो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है, यानी कि अगर आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना है तो आपके पास ये अंतिम मौका है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे, आपके पास कौन सा अंतिम मौका है इसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इसे बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा छात्रों के जो फॉर्म है वो कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड नहीं हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई नहीं हुए, तो ये न्यूज़ उसी से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहाँ पे सर्च करना है sarkarijob.co। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijob.co। जैसे ही आप इस पेज पर पहुँचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप चेक स्टेटस 2020-21 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग 5 से 6 लिंक्स देख सकते हैं, जहां पर आप लोग अपना पीएफएमएस का स्टेटस देख सकते हैं। आप लोग यहां से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और अदर देन इंटर का स्टेटस भी देख सकते हैं। तो आपको यहां पे सिंपली नीचे आना है, आपको यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट के आगे जो क्लिक हियर लिखा है आपको सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां से आपको सिंपली डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। तो यहां से हम डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आपको यहां पे नीचे आ जाना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग ये रेड लाइन पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हां दोस्तों, यहां पे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या दे रखा है। यहां पे देखिए, यहां पे दे रखा है कक्षा 12 11 एवं राज्य से बाहर की संस्थाओं सहित की संस्थाओं से अवशेष रह गए छात्र छात्राओं को डेटा फॉरवर्ड करने की समय विधि 4 मार्च 2021 से 8 मार्च 2021। जी हां दोस्तों, यानी कि अगर आपका डेटा कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो उसकी डेट एक बार फिर से आई है। बहुत कम होता है कि दोबारा से डेट आती है फॉरवर्ड की, तो जो डेट है वो है आपकी 4 मार्च से लेके 8 मार्च 2021, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम और है। आप लोग कल और परसों में अपना फॉर्म को कॉलेज लेवल से अगर सारे करा सकते हैं, फॉरवर्ड करा सकते हैं, तो आपको इस बात का काफी ज्यादा ध्यान रखना है। और जो आपका बैंक खाता है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप लेने में दिक्कत हो सकती है। ये हमने आपको पहले भी अपडेट दी थी और आप लोग यहां पर ये भी पढ़ सकते हैं, अवशेष रह गए पाठ्यक्रम सीट वे फीस की विश्वविद्यालय एफिलेटिंग एजेंसी से लॉक करने की समय विधि 5 मार्च से लेकर 10 मार्च 2021 तक है। और देखिए यहां पे फिर से दे रखा है, ध्यान दें, प्रत्येक छात्र छात्रा अपना बैंक खाते का अनिवार्य रूप से आधार से लिंक कराना सुनिश्चित करें, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप लेने में दिक्कत हो सकती है। मगर यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना है, वो ये कि आपकी जो कॉलेज से फॉरवर्ड करने की डेट है वो है 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक, क्योंकि काफी ज्यादा छात्रों के जो फॉर्म थे वो कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड नहीं होते, तो आपके पास एक और अंतिम मौका है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।